लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये जान लीजिए कि ये सेवा और समर्पण के जज्बे का आह्वान श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने किया है। सेवा और समर्पण की ये भावना महात्मा गांधी से लेकर दशकों से, एक सदी से हमारे खून के अंदर दौड़ती है। खुद का सर्वस्व नौछावर कर राष्ट्र की रक्षा में काम आना, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देना, एक एक देशवासी का हाथ पकड़कर साथ चलना, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये इस देश की संस्कृति है। और नर सेवा ही नारायण सेवा और समर्पण के इस अभियान से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हम देशवासियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दिल्ली पुलिस के माध्यम से उस मदद का गला घोट रही है। देशवासियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस, जब श्रीनिवास जी और उनके साथी एक एक साथी तक जीवन रक्षक दवा पहुंचा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उस जीवन रक्षक दवा को मरीज से छीनना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं, जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथी एक एक ऑक्सीजन बेड, एक एक वेंटिलेटर बेड का इंतजाम कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का क्रूर षड्यंत्र करके अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि मदद के ये दूत अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जब एक एक अस्पताल में जाकर मरीज के देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवरों को, शमशान घाट में बॉडीज का क्रिमेशन करने वाले कर्मियों को युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोग खाना पहुंचाते हैं तो दिल्ली पुलिस हमारे कार्यालय में भेजकर एक नंगा सत्ता का तांडव करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उस मदद का गला घोटना चाहते हैं। पर याद रखिए, भाजपा के अहंकारी सत्तासीनों, जितना आप दमन करेंगे, जितनी बार आप पुलिस कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यालय में भेजेंगे, जितनी बार आप श्रीनिवास और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चक्कर चलाएंगे, जितनी बार आप हमें धमकाएंगे और डराएंगे, जितनी बार मुकदमे दर्ज करेंगे, उतनी बार ही हमारा साहस और मजबूत होगा, क्योंकि हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और हथकड़ियां पहनानी है तो पहनाइए, मुकदमे दर्ज करने हैं तो करिए। आइए आज दो दो हाथ हो जाइए, आइए आज देख लें कि आपके जुल्म की मोदी जी इंतहा क्या है। पर ना कांग्रेस डरेगी, ना युवा कांग्रेस डरेगी, ना एक साथी डरेगा। ये आह्वान है, संकल्प है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हम दृढ़ निश्चय अटल इस मार्ग पर चलते रहेंगे। जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो यथा संभव हर जरूरतमंद तक सहायता के लिए पहुंच रहा है। जब विदेशों की एम्बेसियां भी, विदेशों के राजदूत भी मदद के लिए युवा कांग्रेस और कांग्रेस को गुहार लगा रहे हैं तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के साथी गागर में एक एक सागर में एक एक बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से एक एक बूंद की मदद पहुंचा रहे हैं, लोगों को उनकी सांसें लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। देश के नागरिकों के दिलों की धड़कन युवा कांग्रेस का संगठन बन गया है। देश के हर कोने से एक ही स्वर नजर आता है और वो स्वर है
कि अगर आज मदद के लिए संकट की घड़ी में कोई खड़ा है तो वो युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भाई श्रीनिवास जी, युवा कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कोने कोने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। दुनिया का हर अखबार, हर टेलीविजन युवा कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। पर माफ कीजिए, एक पिशाच की भांति क्रूर सरकार आज सत्ताधारी गद्दी पर बैठकर मदद करने वालों का गला घोट रहे हैं।